हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक्चुअल में इस्तेमाल होता है, राइट? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट्स को यहाँ पर। तो ये जो सबसे पहला पार्ट आप ऊपर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ देख रहे हैं, इसको हम लोग ऑक्यूलर या आईपीस कहते हैं। इस पे 10x का लेंस लगा हुआ है। देखिए 10x का लेंस तो एक यहाँ लगा होता है और एक पावर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, जो कि ये आप देख रहे हैं इस जगह पर। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। 10 का ये लगा हुआ है तो 10x10 100 होता है, यानी मैग्नीफिकेशन 100 गुना का हो जाता है, 100 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट का। जो भी आप यहाँ पर स्लाइड लगा कर देखोगे, जैसे ये स्लाइड है, तो 100 टाइम मैग्नीफिकेशन कर देता है। सबसे पहला हो गया आपका ये ऊपर की तरफ जो है ऑक्यूलर आईपीस। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। ये पॉइंट जो आप देख रहे हो इसे हम लोग बॉडी ट्यूब कहते हैं, राइट? इसे क्या कहते हैं? बॉडी ट्यूब कहते हैं। इसके बाद ये क्वार्ट्ज एडजस्टमेंट होता है, उसके ठीक नीचे यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसको हम लोग फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग पकड़ रहे हैं, हैंडल टाइप का जो दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द आर्म, राइट? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आर्म बोलेंगे। और इसके बाद आप इस साइड में ये जो देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस। ये क्या होता है? इस तरह से स्लाइड हो जाता है, यानी कि टर्न होता है। मैं इसको टर्न करा के दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से टर्न हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवॉल्विंग नोज पीस, ठीक है। ये आपका मैग्नीफिकेशन लेंस है, यानी हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। और जो 45 वाला है, ये 10 वाला है, ये है लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट? तो ये दो तरह के लेंस होते हैं, एक 45 और दूसरा क्या होता है 10x का होता है। उसके बाद आगे आते हैं स्टेज क्लिप्स हम लोग देखते हैं। दीज आर द स्टेज क्लिप्स। अगेन इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ मैं तो साफ नज़र आएगा, अब सही है, ठीक है। ये क्या है? स्टेज क्लिप्स। इस पर आप स्लाइड्स को रख के टाइट कर देते हैं जिससे वो गिरता नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप ब्लैक कलर का, दिस इज कॉल्ड द स्टेज, राइट? इसे क्या बोलेंगे? स्टेज। यहाँ पे हम लोग स्लाइड रखते हैं। इसके बाद नीचे के साइड में आप देखें, दिस इज कॉल्ड द, ये वाला पॉइंट जो है दिस इज कॉल्ड द कंडेंसर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर कहते हैं। ये पेंच जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग इंसुलिनेशन ज्वाइंट कहते हैं। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द मिरर, यहीं पे लाइट फोकस करती है और यहाँ पर, ठीक है, जब हम लोग इसको लाइट में रखते हैं। और ये पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड द बेस, जिस पे पूरी बॉडी जो है माइक्रोस्कोप की टिकी होती है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप की, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और इसके बारे में आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लैब मैनुअल में ही स्टार्टिंग में दिया होता है उसके बारे में एक एक पार्ट, राइट? तो सबके नाम क्या है ये आपको समझ में आ गया, किसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं। और एक्चुअली इसकी फिटिंग और इसकी और ये क्वार्ट्स और फाइन एडजस्टमेंट का ही मेन कहानी होती है कि ये इतनी चीज़ें सही हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, राइट, इस तरह से अलग अलग तरह से दिखा देता हूँ।